गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपके लिए ये बफर बोर्ड है हमारे पास 42PA 4520 और 4500 जो LG के हमारे मॉडल हैं। बहुत कॉमन मॉडल है और काफी प्रॉब्लम भी आता है इनके अंदर। तो ये बफर बोर्ड जो है वो कैसे टेस्ट करनी है वो मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। हमारे पास ये तीन बफर बोर्ड हैं। बफर बोर्ड टेस्टिंग से पहले मैं कुछ इसकी बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं। ये जो हमारे ये दो ट्रैक हैं, ये हमारे सप्लाई इनपुट ट्रैक हैं। ये दो ट्रैक के अलावा एक सप्लाई हमारी और इन होती है जो ये 5 वोल्ट आती है। ये दो ट्रैक पे ये डायोड के थ्रू सप्लाई आईसी को जाती है। ये डायोड के थ्रू, ये डायोड के थ्रू, ये डायोड। अब ये जो दो ट्रैक है हमारे सप्लाई के, ये सप्लाई आईसी को जाती है डायोड के थ्रू, और यहां पर जो आप एक बड़ा वाला ये ट्रैक देख रहे हैं, ये जो बड़ा ट्रैक है ना, मोटा वाला ट्रैक, ये हमारा 5 वोल्ट सप्लाई का ट्रैक है। अब इसको चेक कैसे करना है, ये जो 5 वोल्ट सप्लाई है हमारी, अब इसको चेक कैसे करना है उसका मेथड मैं आपको बताता हूं। हमने क्या करना है, मीटर को डायोड मोड में रखना है, ग्राउंड से ग्राउंड पकड़ना है। जो हमारी ये इन सप्लाई है, ये इसको चेक करेंगे, कुछ नहीं दिखाता है, ठीक है। इसको रिवर्स में देखेंगे, ये हमारा रीडिंग मिला इसको। उसके बाद में ये जो आउट है, जो सप्लाई आईसी को जा रही है, ये चेक करेंगे, यहां से यहां देखा हमने, लो ओम्स हमारा कहीं पर भी नहीं है। अब इसके बाद में ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस देखते हैं, लो ओम्स आता है क्या, यहां पर भी डायोड की कंटिन्यूटी, इसका मतलब ये जो बफर है हमारा ये सही है। ये जो बफर बोर्ड है ना, इसमें दो टाइप की आईसी आती हैं। एक ये आईसी है R2A20276FT, एक दूसरी आईसी और इसके अंदर आती है जिसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूं। ये पैनासोनिक की आईसी है AN16538A। ये दोनों आईसी जो हैं वो एक दूसरे की इक्विवेलेंट है, ये दोनों एक दूसरे में रिप्लेस कर सकते हैं आप। अब जैसे कि हमने देखा ये बफर हमारा ओके है, ये बफर देखते हैं, प्रोसीजर सेम, इसका मतलब ये भी बफर ओके है हमारा। इसकी ये आईसी रिप्लेस की हुई है, ये पहले शायद रिपेयर हुआ है। ये भी ओके है हमारा बफर। ये जो बफर है अभी इसको हम चेक करते हैं, प्रोसीजर सेम, यहां से इन सप्लाई, कोई कंटिन्यूटी नहीं, डायोड का रीडिंग। अब ये जो आउट हो रहा है सप्लाई, लो ओम्स आ गया हमारा,
यहां पर भी लो ओम्स आ गया। अब इसमें जो ये कट किए गए हैं, कट का पर्पस क्या होता है कि अपर फोर और लोअर फोर उसमें शॉर्टिंग कहाँ है हमारी, तो हमने बीच में कट किया लेकिन हमें ऊपर भी लो ओम्स मिल रहा है, नीचे भी लो ओम्स मिल रहा है। फिर हमने वापस एक कट किया, ये आईसी तो खराब नहीं है लेकिन ये भी खराब है, एक इधर कट किया, ये भी हमारा डेड शॉर्ट है। अच्छा, इसके साथ में हम एक चीज और चेक कर लेते हैं, जो हमारी ये जो 5 वोल्ट सप्लाई बनी है, ये दोनों साइड में ऑलमोस्ट सेम ओम्स दिखा रहा है, इसका मतलब ये सारी की सारी आईसी हमारी डैमेज है, तो हमें ये सारी आईसी इसके अंदर रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो हमारा ये सेट ओके हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे पास काफी लोगों के फोन आते हैं, सर बफर बोर्ड कैसे चेक करना है, वाई बोर्ड कैसे चेक करना है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मेरे वीडियो देखने के बाद में कोई भी अगर कंफ्यूजन होता है, कुछ होता है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9819550939। लेकिन मेरे समझाने के बावजूद आपको भी समझ में आना चाहिए कि मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, सेट आया और सीधा कॉल लगा देते हैं। आप अपने आप से भी चेक करो कि उसके अंदर कहीं पे शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है आपको या कुछ दिखा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कोल टेस्ट। ये जो बफर बोर्ड है ये 100% कोल टेस्ट में ही ओके हो जाते हैं। मेथड मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपको ये बफर बोर्ड चाहिए या इससे रिलेटेड कोई भी आईसी की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे ऑफिस दीक्षा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में कॉल कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर है 8291476985। वहां से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप बोलेंगे बफर ये रेडी करना है तो रेडी करके मिल जाएगा। अगर आपको इसकी आईसी चाहिए तो आईसी मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी आईजीबीटी मॉस्फेट है वो सब मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।